तो गाइज अब हम आ गए हैं यहाँ, अब यहाँ से हम लोग करेंगे रोप वे। तो गाइज ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है रोप वे, आज तक मैंने कभी भी रोप वे नहीं किया है, तो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी सी डरी भी हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है, हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग को पहले जाके टिकट कटाना होगा, तो आप देख सकते हैं रोप वे के लिए कितना लंबा लाइन है, बट जो भी है हम लोग अभी टिकट लेंगे उसके बाद आपसे। सो गाइज़ रोपवे का जो टाइमिंग रहता है वो 9 o'clock से 5 o'clock तक रहता है, तो गाइज़ आप देख सकते हैं टिकट के लिए कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। सो गाइज़ जब तक स्लीपर टिकट ले रही है तो हम लोग जो है वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हम लोग को चेयर भी नहीं मिला, इतने सारे लोग आए हुए थे। और गाइज़ आपको टिकट का प्राइस जो है वो पर हेड 117 rupees है। सो गाइज़ ये रहा कुछ प्रिकॉशन, अब हमें रोपवे में जाने से पहले हमें ये प्रिकॉशन जो है वो फॉलो करना होता है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सो गाइज़ आप जो है अगर अपने साथ कैमरा कैरी करते हो तो उसका भी आपको अलग से 117 rupees देना होता है। और ये रहा लिफ्ट, यही लिफ्ट हमें लेके जाएगी। सो गाइज़ यहाँ पे आपको अपना टिकट देना होता है और वो स्कैन करते हैं और फिर जो है आप रोपवे के लिए जा सकते हो। तो अभी जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए अभी जो है वो केवल कार में 20 लोगों को लेके जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो है 6 लोग ही अलाउ थे, बट भीड़ बहुत ज़्यादा था इसलिए ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके जा रहे थे। तो गाइज़ ये रोपवे जो हमारा है वो हमारा साइट विज़िट में इंक्लूडेड था। अगर बाय चांस आपका जो कैब वाला है वो आपको नहीं लेके जाता है, तो ये MG रोड से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आपने भी हमारे जैसा रोपवे का एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो आप जो है यहाँ के रोपवे का एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो गाइज़ केबल कार आ गई है, अभी हमें सबसे पहले फोकस करना है कि हमें जल्दी से जल्दी प्लेस मिल जाए, क्योंकि अब जो है 6 लोगों को नहीं लेके जा रहे हैं, 20 लोगों को लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि अगर हमें प्लेस नहीं मिला तो हमें अच्छा व्यू नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक प्लेस ले लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइज़ मैंने जो है यहाँ पे सबसे अच्छे वाला प्लेस ले लिया है, तो मैं जो हूँ आपको यहाँ से दिखाऊंगी व्यू, आप देख सकते हैं सारे लोग किस तरह से खिड़की के पास ही चिपक गए हैं। सो ये रोप वे करीबन 1 किलोमीटर आपको घुमाएगी, तो इस दौरान जो है आप सिक्किम सिटी देखोगे, पहाड़ देखोगे, वैली देखोगे। करीबन 15 से 20 मिनट तक जो है आपको ये रोप वे का सफ़र आप इंजॉय कर सकते हो। तो गाइज़ अगर आप दिसंबर से मार्च के बीच में आते हो तो आप जो भी ये ग्रीन पहाड़ देख रहे हो ये सब आपको स्नो में मिलेगा, यानी बर्फ़ दिखेगी आपको चारों तरफ। तो अगर आप भी बर्फ देखना चाहते हो तो आप जो है दिसंबर से मार्च के बीच कभी भी गैंगटॉक सिटी आ सकते हो और स्नो का जो है वो मज़ा ले सकते हो। सो गाइज़ आप सिक्किम किसी भी टाइम पे आओगे तो आपको सिक्किम शहर से प्यार होना ही होना है, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी सही रहता है, बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करोगे। सो गाइज़ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रोपवे पे चढ़ने का, इससे पहले मैं कभी भी रोपवे में नहीं गई हूँ। तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग में से कितने लोग रोपवे में गए हो और आपका पहला एक्सपीरियंस रोपवे में कैसा रहा। हम लोग जितने लोग भी गए थे उनका सबका पहला एक्सपीरियंस था, सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, कि क्या हो रहा था ना हम लोगों के टाइम पे ये लोग जो है आपको एक साइड दे रहे थे और फिर एक बार स्टेशन आया तो ये लोग चेंज किए, तो एक साइड से आपको सिर्फ पहाड़ का व्यू आ रहा था, और जब हम लोगों ने सेकेंड वार्ड में किया तो जो है पूरा आपको पहाड़ का व्यू आ रहा था, तो दोनों साइड से डिफरेंट आपको व्यू देखने को मिला, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइज जिस टाइम पे हम लोग गए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, तो हम लोग जो है टिकट के लिए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा तक हम लोग वेट किए थे, और उसके बाद जो है हमारा टर्न आया था। बट और ये लोग क्या कर रहे थे, 20 लोगों को बिठा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड लग रहा था, तो जिसके कारण व्यू मिला था, बट लेकिन अगर 6 लोग रहते तो और अच्छे से हम लोगों को व्यू मिलता। सो गाइज़ इस रोप वे से जो है आपको पहाड़ दिख जाएंगे और वैली दिखेगी और सिटी तो दिखेगी ही दिखेगी, और हम लोग जो गए थे साइट विज़िट करने के लिए वो सब भी हम लोग जो है ऊपर से देखे, जैसे कि हम लोग हनुमान टॉक वगैरह गए थे तो वो भी यहाँ से दिख रहा था। सो गाइज़ अगर आप भी प्लान कर रहे हैं छांगुर लेक जाने का, तो वहाँ पे भी रोप वे होता है, और एक मैंने यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किए थे, आप चाहो तो वहाँ पे भी कर सकते छांगुर लेक के पास भी, या फिर आप दामोदर
रोपवे में भी आके कर सकते हो। ये दामोदर रोपवे जो है आपको बहुत नज़दीक पड़ेगा, अगर आप एमजी रोड के पास रह रहे हो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। फाइनली हम लोगों ने रोप वे कर लिया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पहला एक्सपीरियंस था, सो मस्ट ट्राई गाइज। अगर आप लोग भी इस साइड आना होता है तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए। पूरा गैंगटॉक जो है वो हम लोगों को ऊपर से दिखा, जहाँ जहाँ हम लोग विजिट करने गए, जो साइट सीन वगैरह विजिट करने गए, वो टेम्पल देखी थी क्या, वो सब दिखा, तो मस्ट ट्राई गाइज। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू रहिए इस वीडियो पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।